मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। आज की सुर्खी में एक दुखद खबर आपके साथ साझा कर रहा हूं। हरियाणा के गुरुग्राम के सोना में पलवल रोड के किनारे शनिवार को 35 वर्षीय युवक का शव मिला। शव को देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान तिकोना पार्क निवासी मनवीर के रूप में हुई। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। वहीं शव के पास खून से सनी एक टाइल भी बरामद हुई है। पुलिस व फोर्स क्राइम टीम मौके पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मनवीर बीती रात से घर से गायब था। परिजन रात से उसकी तलाश में जुटे हुए थे। शनिवार की सुबह उसका शव पलवल रोड के खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोना के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है। विशाल ने बताया कि उसके पिता मनवीर का रात से कोई अता पता नहीं चला। सुबह उसके चाचा ने उसके पास फ़ोन किया और बताया कि उसके पिता का शव पलवल रोड पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर उसके पिता का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहीं पास में एक टाइल भी पड़ी हुई थी जिसमें खून लगा हुआ था। उसे आशंका है कि उसके पिता की हत्या करके शव को यहां फेंक दिया गया है। सोना पर थाना प्रभारी करमजीत ने बताया कि पुलिस की टीम जांच कर रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम व क्राइम टीम मौके पर मुआयना कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोना के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा ये हत्या है या हादसा, यह भी इंतज़ार है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। तो दोस्तों ये खबर है हरियाणा जो आपने सुनी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक पल पल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सर विशाल है और मैं 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। मैं अब शाम को घर गया था 7 बजे 8 बजे। मैंने पूछा घर वालों से कि पापा कहाँ, तो बोल रहे हैं कि बेटा आज तो नहीं आए थे पापा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं देख कर आता हूँ एक बार। तो मैं देखने के लिए गया अपने पापा को बाजारों जा रहा। मैंने ढूंढा यहाँ से वहाँ लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद हम सो गए थे जी, रात को 10-11 बज गए।